सहेल मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे करना भूल गई थी करते समय बट लुक बहुत ज्यादा अमेजिंग आया है. लुक एट माई फेस एंड ओवरऑल लुक इट्स लुक स्टनिंग गाइज स्टनिंग. मेरे को लगा है कि ये 5-10 मिनट में 5 मिनट लगे होंगे मुझे इस मेकअप को अचीव करने में एंड really look nice. अगर आप लोग गरबा एंड ऑल कर जाते हो गरबा करने एंड आपकी सोसाइटी में होता है तो आप लोगों को लेना बहुत ज़्यादा मस्त लुक होने वाला है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाले हो इस लुक में. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट. सो सबसे पहले हमें क्या करना है अपना फेस को क्लीन करना है. क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपका फेस गंदा होगा आप खुद सोचिए कि आपका अगर फेस गंदा है जैसे कोई भी बेकार कैनवस पर आप पेंटिंग नहीं कर सकते वैसे ही है कि आप अपने फेस पर मेकअप नहीं कर सकते तब तक आपका फेस क्लीन नहीं हो जाता. जैसे ही क्लीन होता है देन उसको आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. तो मैंने क्लीनिंग के लिए माइसेला वाटर यूज़ करा था एंड मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने ये पॉन्ड्स का जेल वाला क्रीम यूज़ करा है जो काफ़ी अच्छा अल्ट्रा लाइट वेट है एंड बहुत अमेजिंग है. देन प्राइमर लगाया है. प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ परफेक्ट एंड प्राइम इनसाइड कॉस्मेटिक का जिससे एकदम अमेजिंग सा फिनिश आ जाता है चेहरे पे. एंड इसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है आईब्रोज को क्लीन करना आईब्रो बनानी है. तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना एकदम फुल शेप्ड वाली जो दिखती है ना लाइन अलग से दिखती है वैसी वाली आईब्रोज नहीं पसंद मेरे को. एकदम नेचुरल दिखनी चाहिए ऐसा अलग से कुछ लगा दिया है पेस्ट कर दिया है ऐसा नहीं लगना चाहिए. तो मैंने एकदम नेचुरली फिल करी ये ब्लू हेवन का था. देन मैंने अपना बेस करा. बेस के लिए आई एम यूजिंग अ लाइट का फाउंडेशन जस्ट इन 99 रुपीज़ में मैंने नायका से ऑर्डर करा था. तो आप लोग भी कर सकते हैं अमेजोन नायका से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो. बाकी लिंक तो मैं आप सबको प्रोवाइड ही कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करना सारे लिंक आपको मिल जाएंगे. एंड ये काफ़ी अमेजिंग मेरे को ना काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा है. मतलब 99 रुपये के अकॉर्डिंग आपको 99 का फाउंडेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही है. देन मैंने ये काजल लगाया क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी स्मोकी टाइप आइज करनी थी तो मैंने रफली ऐसे काजल लगा लिया क्योंकि मेरे को ना बाद में स्पंज ही करना है उससे इसलिए रफली लगा लिया. दोनों साइड लगा के मैंने इस ब्रश से अपने काजल को स्मज करा. जस्ट स्मज में क्या है लेफ्ट राइट करते जाओ वो ना अपने आप थोड़ा थोड़ा स्मज होता जाएगा. आपको कहाँ तक फैलाना है वो डिपेंड करता है. तो सेम मैंने दोनों आँखों में कर लिया. देन आप ये देख रहे हैं ना ब्राउन कलर इस ब्राउन कलर को मैंने क्रीज पे लगाया क्योंकि ये है कि स्मोकी आई करने के लिए आपको ब्लैक एंड ब्राउन के साथ प्ले करना पड़ता है. तो सेम मैंने करा काजल लगाया देन उसके ऊपर ब्राउन कलर क्रीज पे लगाया. दोनों को अच्छे से मर्ज कर देंगे ब्लेंड कर करके. एंड इसके बाद ये आप देख रहे हैं ना ब्लैक स्मोकी टाइप का कुछ कलर था देन वो लगा लिया. दिस कलर मेक माई आई लुक वेरी अमेजिंग. मेरे को लगता है इसने पूरा अच्छे से मेरी आईज को डिफाइन भी कर दिया जैसी मुझे चाहिए थी वैसी कर दिया. देन डिफाइन करने के लिए मैंने काजल के बाद सेम ब्राउन कलर जो क्रीज पे लगाया था वो लगा लिया. एंड इसके बाद मैं लगा रही हूँ ये ब्लश है. काफ़ी ब्लश नहीं है ये लिपस्टिक है मेबलिन की जो कि मैं एज अ ब्लश ही यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी प्यारा कलर है इसका. मैं लिंक दे दूँगी इसका भी तो आप लोग चेकआउट कर लेना काफ़ी मस्त कलर है. अगर आप मेरे स्किन टोन से बिलोंग करते हो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा. आप इसे एज अ लिपस्टिक यूज़ करो एज अ ब्लश यूज़ करो इट्स अप टू यू आपके मर्जी है. ये NYBA का कॉन्टोर है क्रीम कॉन्टोर है. मैं हमेशा क्या करती हूँ पहले क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाऊँगी अपने
फेस पर, देन उसके बाद पाउडर बेस लगाऊंगी। उससे क्या होगा, क्रीम बेस अंदर रह जाता है एंड उसके ऊपर पाउडर बेस लगाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए, जैसे गरबा खेलने जाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है उसके लिए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि दो टाइप के प्रोडक्ट लगा लो एंड उसे अच्छे से डिफाइन कर लो, बहुत अच्छा लुक आता है। जैसे कि मैंने ये कॉन्टोर लगाया एंड मैंने एकदम साफ फेस करने के लिए इसको क्रिएट करा। देन ये अल्ट्रा स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट है, इसके अंदर ब्लश भी है, हाईलाइटर भी है एंड इसके अंदर कॉन्टोर भी है। काफ़ी मस्त पैलेट है, आई थिंक 400 समथिंग की है, लेकिन ये मैंने सबसे पहले, बहुत साल से है, मेरे को 1 साल हो गई है शायद इस पैलेट को मेरे पास, एंड काफ़ी मस्त है, एकदम खास मेरी फेवरेट पैलेट है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, दैट्स व्हाई। एंड इसके बाद मैंने ये ब्लश करने के बाद कॉन्टोर करा एंड लुक एट द फिनिश, काफ़ी अच्छा है। एंड कॉन्टोर देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है मेरा, मैंने इतना यूज़ करा है। एंड उसे भी सेम वे से लगाया जैसे मैंने क्रीम कॉन्टोर लगाया था, सेम वैसे ही लगाया ब्रॉन्जर को अच्छे से। ऐसी जॉ लाइन पर भी लगाएंगे, मेरे को ना जॉ लाइन एंड चिक बोन पे लगाना बहुत मस्त लगता है, लाइक वो एकदम आपके फेस को डिफाइन कर देता है एंड लुक एट द डिफरेंस। आप लोग अगर स्टार्टिंग वाली देखोगे एंड अब देखोगे ना, काफ़ी डिफरेंस आ गया है। एंड इसके बाद ये मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ही यूज़ करा है, ये कुछ 171 रुपीज़ का था मेकअप फिक्सर, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। एंड ये मिस क्लेयर की लिपस्टिक थी जो 70 कुछ की आई थी, 75 समथिंग की, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो, नायका पे मिल जाएगी। इसके अंदर ग्लॉस भी आता है लेकिन मेरे को ग्लॉस इतना पसंद नहीं है, तो लिपस्टिक मैंने रेड लगाई क्योंकि रेड बहुत ज़्यादा लगाते हैं गुजरात में, देन बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो चेंज कर दिया था मैंने। ये हाईलाइटर है इनसाइड कॉस्मेटिक का, जस्ट 1099 या 78 रुपीज़, आई डोंट नो, बट है बहुत सस्ता ही है, 99 रुपये के अंदर ही है। एंड काफ़ी मस्त है ये भी हाईलाइटर, मैंने सेम वे से लगाया, लाइक नोज़ पे लगाया, आईज कॉर्नर पे लगाया, आईब्रोज पे लगाया। देन मैंने ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी, पहले मैंने ये वाले झुमका पहन रखे थे, देन मैंने इसे चेंज करके, ये गले का पूरा सेट है ये वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का, एंड वो मैंने इयररिंग भी चेंज कर दिए। मेरे को लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने ये स्विस ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक है, दिस इज माय फाइनल लुक गाइस। एट द एंड मैंने जस्ट इतना ही करा है, एक नोज पिन पहनी है जो गुजरात में ज़्यादातर पहनी जाती है, ऑक्सीडाइज वाली जो नोज पिन है वो मैंने मीशो से मंगाई थी 88 रुपीज़ में, 10 पीसेस गाइस, दिस इज रियली अमेजिंग थिंग। मेरे को लगता है 10 पीसेस सिर्फ 88 रुपीज़ में आ गई और आपके घर पे आई है, ऐसा आपको जाना नहीं पड़ा। एंड मैंने ज्वेलरी में मैंने ये नेक पीस पहना है, इयररिंग्स पहने हैं, ये भी एक सेट था जो मैंने मीशो से ही लिया था। एंड बाकी मैंने बिंदिया लगा ली, आप लोग ये देख रहे हो फ्रंट में जो बिंदी है वो वाली लगाई, उसके नीचे छोटी वाली बिंदी लगाई, बाकी यहाँ पे चिन पे 3 ऐसी छोटी छोटी बिंदियाँ लगा ली और आईज के दोनों साइड में 3-3 छोटी छोटी बिंदियाँ लगा ली। इससे ये पूरा गुजराती लुक एलिवेट हो गया एंड इट्स लुक स्टनिंग, लिटरली स्टनिंग। एंड आई लैसेस लगा ली जिससे ना मेरी आईज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। आई थिंक ये जो मैंने जो ब्लैक स्मोकी आई करा है तो वो और भी ज़्यादा एनहांस हो गया मेरी आई लैसेस से। तो दिस इज़ अ फाइनल लुक, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप क्या देखना पसंद करेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एंड सो आप लोग मेरे को ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ डालती रहती हूँ एंड इसलिए यूट्यूब पर ना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंटेंट 3 दिन ही आ पाता है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर रहेंगे, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 रील डालती रहती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि वहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल करके भी एक ऑप्शन होता है, वो मेरे पे मैंने भी बना रखा है, तो आप लोग वहाँ पे भी हो सकते हैं ऐड एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इंस्टाग्राम पर, मेरे को पर्सनली ये लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ये वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है, जाके चेकआउट कर लीजिए क्योंकि इसमें मेरा जो ब्राइडल्स सीरीज चल रही है वो है पूरी, आपको मिल जाएगा। इवन आप ये वाला हल्दी लुक भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुआ है। चलो बाय, तब तक टाटा, टेक केयर।